लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्यार ढाई अक्षरों का एक शब्द। हर जीव प्यार की तलाश में रहता है, हर जीव प्यार के इंतजार में रहता है। प्यार होने की कोई वजह नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि यह कब और कैसे हो जाता है। ये एक सफर है जिसे कोई समझ नहीं पाया। तलाश है, मुझे तुम्हारा इंतजार है। तुम्हें एक बार देखने के लिए मैं लाखों बार मरने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए मैं हर बार जन्म लेता रहूँगा। आशा करती हूँ कि तुम्हें वो लड़की मिल जाए जिसका तुम्हें इंतजार है, एक लड़की की तरफ से। वाओ, क्या खूबसूरत लड़की है यार। मुझे तो इससे प्यार हो गया है, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। इडियट्स, तुम दोनों का पता नहीं, इसके लिए मैं जान दूंगा। नहीं, मैं दूंगा। अरे नहीं, पहले मैं जाऊंगा। मजाक नहीं यार, सीरियस। या अगर तुम इसे प्यार करते हो तो जान देने की जरूरत नहीं, बस जाके पायल ला दो। फिर से वही सपना, वही कन्याकुमारी वाला। भूल भी जाओ उसे, उसी के बारे में सोच के परेशान मत हो। तुम बेकार में उस आदमी के लिए दुखी हो रही हो जिसने एक पायल के लिए अपनी जान दे दी। तूने तो उसे कूदने के लिए नहीं कहा था ना। उठो उठो, तुम लोग कितनी देर तक सोती रहती हो? कोई भी छोटी बात दिल से लगा लेती है। चलो उठो, ए शांति। हाँ हाँ, आ रही हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ज्यादा सोच के ना परेशान मत हो, ओके? ओ शिट, बाय। ए गीता, जल्दी आना।
When this acid is mixed with this base, you'll get salt and water. This reaction is called neutralization. Now, let us discuss about neutralization. वो लड़की कौन है? नाम गीता है, बहुत कड़क लड़की है। अपने गैंग में हर किसी ने उसे पढ़ाने की कोशिश की लेकिन सब फेल हो गए। तुम भी माँ कसम फेल हो जाओगे। नहीं भी हो सकते। थैंक यू। पॉल्यूशन छींचा। अरे भाई टक्कर, किताबें नीचे गिरी क्या? सही कहा भाई। क्या दोनों ने किताबें उठाना शुरू की? एकदम सही। क्या एक दूसरे को सॉरी बोला? सॉरी सॉरी। अरे फिर से सही। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फिकर मत कर, एक दूसरे को देखने के लिए वो लोग मुड़ेंगे। क्या बात है भाई, आपको सब कुछ पता है, आप तो ज्योतिष निकले। ऐसी फालतू लव स्टोरी बहुत देख चुका हूँ। आज उसने उसे टक्कर मारी है, कल जो उस पे कमेंट करेगा उसे मारेगा, फिर लड़की को रेस्टोरेंट में बुलाएगा और उसके एक दिन बाद जान देने की धमकी देगा। ऐसा क्यों? ताकि वो उसे आई लव यू बोल दे। वो लड़की इस धमकी से डर जाएगी और फिर आई लव यू बोल देगी। अक्सर बस ऐसा ही होता है, बोरिंग लव स्टोरी। सही कह रहे हो भाई। अरे तुझे क्या हो गया? उठिए और खुद ही देख लीजिए भाई। इतनी खतरनाक लुक क्यों दी भाई? अक्सर ऐसा होता है। भाई भाई जाने तो, इसको मालूम नहीं था भाई, गलती हो गई इससे भाई, अगली बार नहीं करेगा ऐसा। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तू जानता नहीं एमपी अवतार का लड़का है वो, कॉलेज में सिर्फ उसी का राज चलता है, अगर उससे पंगा लिया ना गायब कर देगा। हेलो, तुमने उसे मारा क्यों? वो मुझे छेड़ता है तो वो मेरी प्रॉब्लम है। देखो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। ऐसे घटिया ट्रिक्स मेरे साथ मत खेलो, समझे? कल तुमने मुझे टक्कर मारी, आज जिसने मुझे छेड़ा उसे मारा, फिर रेस्टोरेंट में मुझे इनवाइट करोगे? हाँ, शाम को कॉफी डे में आना है। हेलो, शाम को 6 बजे। अरे सुनो, कॉफी डे। कल तुम मिलने क्यों नहीं आई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मुझे नहीं आना था। I love you। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर अगले 24 घंटे के अंदर तुमने I love you नहीं बोला ना, तो मैं कॉलेज की छत से कूद जाऊंगा। एक बात बताओ, क्या वो सच में कूद जाएगा? बोल नहीं सकते, वो पागल आदमी है, शायद कूद सकता है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। पहले ही तुम उस आदमी के लिए परेशान हो जो तुम्हारे पायल के लिए मर गया। अगर इसने भी अपनी जान दे दी तब तो तू जी ही नहीं पाएगी। मेरी बात सुन, आई लव यू बोल दे, फिर देखते हैं क्या होगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं कहूँ? क्या इसी को लोग प्यार कहते हैं? अंकल हमारे पति को इससे निकालो, yeah।
अरे बोलो यारो इंडिया को, तक दिन को आज हो जाए हुआ ना जो, मिलके बोलो यारो इंडिया को। मस्तम मस्तम साथ रहे, हाथ में अपना हाथ रहे, दिल में कोई क्यों बात रहे, खुल के कहो। कल को हमें सजाना है, राह नई दिखलाना, साथ में इसको गाना है इंडिया को। सच होंगे ये सपने लोगों, गाएंगे जोश के लिए, जिएंगे प्यार के लिए। आज हो जाए हुआ ना जो, दिल के बोलो यारो इंडिया को। तक दिन को आज हो जाए हुआ ना जो, दिल के बोलो यारो इंडिया को।
भी बोल देने तो वो पूछ जाएगा। हाँ जा। अरे जा बे। अरे बोल दे हेलो नहीं तो वो पूछ जाएगा। बोल ना। अरे बोल दे। बोलती हो कि नहीं? जल्दी जल्दी बोल दे। I love you। अरे जोर से बोल ना। इसको मिल गया लड़की मिल गया किधर hey, अरे ये चॉकलेट और टॉफी भी हे hey, कौन हो तुम अपना दोस्त समझ लो चॉकलेट देने वाला दोस्त अच्छा नाम क्या है आर्या ओ अच्छा नाम है कहाँ मिलेंगे फिर बीच के नजदीक लाइट हाउस पे दोस्त मिल गया तुम्हें पता है गीता मुझे यकीन है कि इस बार भी रेस में ही जीतूंगा अजय दिल्ली जा रहे हो ना गुड लक थैंक यू सॉरी मेरी क्लास है वरना मैं एयरपोर्ट छोड़ने जरूर आता कोई बात नहीं बाय बाय हेलो हाँ बोलना 10 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा लगेज के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच पार्टी इतनी जल्दी पागल है क्या क्या आई लव यू हेलो आई लव यू बाय क्या तुम उसे जानती हो मेरे सामने आई लव यू बोल गया रुक 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 साले तुझे तो मार डालूंगा मैं मेरे सामने आई लव यू बोल गया ए, ए, इधर आओ क्या हुआ भाई वो लड़का मेरे सामने गीता को आई लव यू बोल गया मुझे उसकी डिटेल चाहिए अभी हम लोग पता लगा लेंगे आप जाइए आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है जाइए आप फ्लाइट गई भाड़ में मैं डिटेल निकाल लूंगा भाई मेरे पे भरोसा कीजिए आप जाइए ना भाई ए शाकाल के भाई उस नए स्टूडेंट की पूरी जन्म पत्री चाहिए समझा उसकी हिम्मत कैसे हुई आई लव यू कहने की ये फूल मेरी प्रेमिका के हाथों को छूते ही और खिल गया आर्या दोस्त इन तीन पत्थरों में से कोई भी एक पत्थर उस कप में गिरेगा तो मेरा प्यार मुझे जरूर मिलेगा अरे अरे नहीं नहीं ये कैंसिल फिर से शुरू करते हैं उसने अजय के सामने ही आई लव यू बोल दिया हाँ तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई थी उसे अजय के बारे में नहीं मालूम होगा नहीं उसने ये जानबूझकर किया ए गीता तू उसे मुझसे मिलवा देना बॉयफ्रेंड के बिना लाइफ बोरिंग है यार कैसा दिखता है हैंडसम है क्या क्या हैंडसम अगर मैं उसे फिर से देखूंगी तो मैं हाजिर हूँ आई लव यू सुनो जो कल मेरे साथ था उसका नाम अजय हाँ, मुझे मालूम है तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे अरे सब कुछ जानकर भी ये कह रहे हो किसी और से प्यार करती हो तो मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कर सकता अपने प्यार को ऐसे कैसे छोड़ दूं अरे बोलो ना इसे
लेकिन तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? ये कैसा सवाल है? प्यार ही जीवन है। एक बेवकूफ छत से कूदने की धमकी दे रहा था और तुमने उसे आई लव यू कह दिया। अगर यही प्यार है तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है, मेरे प्यार को महसूस करो। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी होगा। मैं तुम जैसे चालू लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, समझे? क्या? मुझे तुम जैसे लड़के पसंद नहीं है। हेट यू। वो अभी तक आया क्यों नहीं? कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। ये लो चॉकलेट खाओ। तुम भी खाओ। पता है गीता ने मुझसे क्या कहा? मैं बताता हूँ। गीता ने मुझसे कहा, उसने आई लव यू कहा? आई हेट यू। ये कहा? हाँ, सच कह रहा हूँ। गीता ने मुझसे कहा कि आई हेट यू। सच्ची? आई हेट यू कहने पर चॉकलेट बांट रहे हो? अरे बाप रे, इसे क्या हो गया? आर्या, आई हेट यू का मतलब पता है ना? इसका मतलब वो तुझसे प्यार नहीं करती। कुछ नहीं फील करने से अच्छा है कि वो मेरे लिए कुछ तो फील करे। देखो दोस्त, प्यार करना या नफरत करना दिल में होता है। चलो कम से कम मैं गीता के दिल में तो हूं ना। अब तो मैं इसे अच्छी तरह समझ गया हूं। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। मेरी सबसे प्यारी गीता .. 3 कल तुमने मुझसे फूल लिया। क्या? ब्लू इंक में तुम हो, रेड इंक में आर्या। ए गीता सीरियस है ना, तो हम भी सीरियस हैं। टुमारो मॉर्निंग आर्या को वार्निंग। ओके 1 2 3 मेरी सबसे प्यारी गीता .. 3 ब्लू इंक में तुम्हारा नाम है, रेड इंक में आर्या। मेरे दिल का हाल मैंने लिखा है तुमको। तुमसे मिलने के लिए मैं हूँ बेकरार। तुम्हें चाहने वाला तुम्हारा आर्या। हाय। ओए, बहुत होशियारी दिखा रहा है। नहीं, क्या लड़की को देखते ही लव लेटर दे देगा? हाँ। लेकिन गीता तो तुम्हें प्यार नहीं करती। एक बात बताऊँ शांति, लेना और देना बिजनेस है। अगर मैं गीता से प्यार करता हूँ और चाहूँ कि वो भी मुझसे प्यार करे तो ये तो एक बिजनेस हो गया ना, है ना? अगर तुम्हारा प्यार उसके लिए सच्चा है। प्यार ही सच्चाई है, इससे तुम्हारा सवाल गलत है। बैठ जाओ। नेक्स्ट। अगर तुम्हें उससे प्यार है तो उसे दिल में क्यों नहीं रखते? सबको क्यों बता रहे हो? जरा फिर से पूछो। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो सबको क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा प्यार करता तो छुपा लेता, लेकिन ज्यादा है तो कैसे छुपाऊँ? मेरा प्यार उसके लिए बहुत ज्यादा है। एक बात बताऊँ तुम्हें, मैं बहुत ही स्पेशल हूँ। मैं जरा नहीं बहुत हट करूँ। जब तुम हंसती हो ना, अच्छी लगती हो। तुम भयानक लगती हो। अजय तो पहले ही उससे प्यार करता है, फिर तुम उससे प्यार क्यों करना चाहते हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ताजमहल पसंद है क्या? पसंद है। तुम्हें? मुझे भी। सॉरी, जब इसे पसंद है तो तुम्हें नहीं होना चाहिए। है ना? रुको, तुमने कभी प्यार किया है क्या? तो तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं है। बैठ जाओ। कोई और सवाल? अच्छा गर्ल्स, सवाल पूछना बंद कर दो और प्यार करना शुरू कर दो। सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ओके चलो चलते हैं। शांति, ये तुम्हारे लिए। ए देख, शांति को लेटर दिया। लव लेटर? मुझसे नफरत करने वाली शांति, आई हेट यू। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। तुम्हारे बिना मैं खुशी से रह सकता हूँ। तुम्हें हमेशा नफरत करने वाला आर्य। और हाँ प्लीज, कल बूढ़ा पाक मत आना। इडियट। द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कुछ कुछ महसूस हो रहा है क्या? मेरे लिए कुछ फील कर रही हो कि नहीं? थोड़ा सा भी नहीं कर रही हो क्या? सर, आउट। तुम्हारे प्रेमी के लिए तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? कब तक मैं तुमसे अकेले प्यार करता रहूंगा? हाँ देखो मिस्टर, तुम बहुत हैंडसम हो ना? मुझे डिस्टर्ब करते हो, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं चिढ़ जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या फील? कॉकरोच बोला तो तुम इतनी चौंक गए, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ उसके लिए कोई रिएक्शन ही नहीं।
देखो तुम्हारे लिए मेरी बस एक ही फीलिंग है, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये बताओ तुम्हें मुझसे नफरत करना अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। तो फिर तुम इतने तेवर दिखाकर क्यों बोल रही हो? यही बात तुम मुस्कुरा के भी तो कह सकती हो। आई हेट यू, बट आई लव यू। यस, बाय बाय। मैं हाजिर हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम्हें अब भी मुझसे उतनी नफरत है। चलो कोई बात नहीं, कॉफी पीने चलते हैं। हाँ? अरे चलो तो सही, कॉफी पीते पीते भी तुम मुझसे नफरत कर सकती हो। ए गीता, डिस्टर्ब मत करो, वो मुझसे नफरत कर रही है। हाँ? आ, तुम लगी रहो, लगी रहो। हाँ। अरे तुम अभी हंसी थी। नहीं नहीं, मैं नहीं हंसी। नहीं नहीं नहीं, तुम मान लो तुम अभी हंसी थी, मैंने तुम्हें देखा, तुम हंसी थी। ओके, मैं हंसी तो क्या? इसका मतलब तुम मेरे प्यार को महसूस कर रही हो। ये क्या है, तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी गलती थी जो मैं यहाँ पर आई। तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? प्यार नहीं करती हो, नफरत करती हो, ओके, लेकिन अगर तुम हंसी हो तो मान तो लो कि तुम हंसी हो। अब इसे कॉफी के पैसे दे दो, ये चला जाएगा। अरे बाप रे बाप, तुम भी ना, मैं भी तुम्हारे साथ क्यों बहस कर रही हूँ? इस कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, तुम्हें मुझसे ही प्यार क्यों करना था? और कोई मिली नहीं क्या? अच्छा, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, किसी और से प्यार क्यों नहीं है? चलो अभी पूछ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे इससे प्यार है, तुमसे नहीं है, तुम में कोई कमी है क्या? व्हाट इज दिस नॉनसेंस, पागल कहीं का? हेलो, मुझे इससे प्यार है, तुमसे नहीं है, तुम में कोई बीमारी है क्या? सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे उससे प्यार है, तुमसे नहीं है, तुम में कोई कमी है क्या? सॉरी गीता, कई लड़कियों से पूछा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब बस तुम ही बची हो। अगर मैं तुम्हारे सपने में आया तो तुम्हारे दिल में कुछ है। गीता, गीता, समझना आए ये प्यार तो रातें जगाए, जानम फिर माला जब प्यार कभी हो जाए, ये प्यार समझना आए ये प्यार तो रातें जगाए, जानम फिर माला जब प्यार में दिल मिलते हैं, जब प्यार में दिल जलते हैं, जब प्यार में दिल खिलते हैं, धड़कन सांसें आंखें बोले कभी हो जाए, ये प्यार समझ ना आए जब प्यार कभी हो जाए, ये प्यार समझ ना आए ये प्यार तो रातें जगाए, जानम फिर माला पे क्या लिखा है पढ़ लो ना, फील माय लव, आंखों में क्या छुपा है देखो, फील माय लव, देखो जहाँ चेहरा तेरा समझो ना, फील माय लव, होठों पे नाम है तेरा हर पल, ओ माय लव,
मुखड़े पे तेरे जैसे चमके है चांदनी, तेरे आने से आई जीवन में रोशनी। सुन लो क्या मेरी धड़कन, सांसे मेरी आंखें बोले। जब प्यार कभी हो जाए, ये प्यार समझ ना आए, ये प्यार तो रातें जगाए, जानम फील माय लव। जब सोचूं तुझको सोचूं, सच है ये फील माय लव, सांसों में तेरी ही खुशबू है ओ माय लव। अब तो किताबों में देखूं तुझे फील माय लव, दिल नहीं लगता है अब बिन तेरे ओ माय लव। आंखों में तू बसी है, कुछ आए ना नजर मुझ पे, हाँ प्यार का ये ऐसा हुआ असर। सुन लो क्या मेरी धड़कन, सांसे मेरी आंखें बोले। कभी हो जाए, जब प्यार कभी हो जाए, ये प्यार समझ ना आए, ये प्यार समझ ना आए। जब प्यार कभी हो जाए, ये प्यार समझ ना आए, ये प्यार तो रात जगाए, जानम फील माय लव। यही है ना वो लड़का जो आ रहा है? हाँ यही है। अबे बोलना। वो बहुत छानपत्ती कर रहा है भाई। सारा कॉलेज उसके साथ है भाई, लड़कियां भी उसकी सपोर्ट कर रही हैं। गीता का पीछा कर रहा है वो, अब मैं क्या। हाँ भाई, वो किसी भी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा सकता है, छोकरा अंगार है भाई। वो तो चीजों को तोड़ के ही हमको डरा देता है। वो दिमाग लगा के काम कर रहा है भाई। अगर अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। आर्य कहाँ है? नहीं मालूम। हट। ए! आर्य कहाँ है? बॉस आओ। तेरी तो जानते हो बॉस, मैंने तुम्हारा छत वाला ड्रामा देखा था। सही एक्टिंग करते हो।
मैंने बोला था ना बहुत पावरफुल है ये। गीता से प्यार करता है तू? जीना नहीं चाहता है? जानता नहीं कौन हूँ मैं? अजय अजय बॉस बॉस एक मिनट है, लड़ेंगे हम लोग पक्का लड़ेंगे, लेकिन एक बात बताओ तुम गीता से प्यार करते हो? अरे छिलके प्यार करता है इसलिए तो तुझे रोकने आए। ओके गीता तुमसे प्यार करती है? अरे बता इसे। पागल है क्या? जब बिल्डिंग के छत पर थे तभी बोला था ना आई लव यू, तूने सुना नहीं था? तो ठीक है ना, मैटर ओवर, सब निकल लो, खत्म करो। अबे फट्टू लोग तुम लोग जा क्या रहे हो, मारो। औकात में रह, मैं बिना वजह मुझे भड़का मत। अगर इस कॉलेज में रहना चाहता है ना तो गीता से ना ही बात करेगा और ना ही मिलेगा, समझ गया ना तू? मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। ओ, तुम्हें डर है कहीं वो मुझसे ना प्यार कर ले? अच्छा तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है क्या? तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? अगर नहीं है तो बोलो, मैं अभी के अभी पीछे हट जाता हूँ। ए भाई को अपने लव पे फुल कॉन्फिडेंस है। देखो बॉस, अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो मेरे जैसा तुम लोगों को अलग नहीं कर सकता। अगर वो मुझसे प्यार करने लगी मतलब तुम्हारा प्यार झूठा है। सिर्फ आई लव यू कह देने से प्यार नहीं हो जाता, ये बात समझ लो। क्या कंफ्यूज कर रहा है? क्या लाइन बोली है यार? अबे चुप। अच्छा अजय, इस बैट से मुझे मारने आए हो? अरे इतना कच्चा बैट, अगर तुमने मुझे मारा तो मतलब तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर जरा सा भी है तो मुझे बता दो, मैं पीछे हट जाऊंगा। तू शायद हम लोग को नहीं जानता, जब भी हम लोग एक मिनट भाई, भाई को अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें विश्वास है तो जो भी मैं करूं उसे मुस्कुराते हुए अपनाओ। हाँ भाई करेंगे, भाई से डरते क्यों हो? वैसे भी इसकी औकात क्या है, हम लोग तो किंग ऑफ द कॉलेज है, इसकी तरह फालतू बकवास नहीं करते। चलो चलो भाई, फालतू टाइम पास बहुत हो गया, चलो चलो देख लेंगे इसको, ऐसे पोगल अखरोट बहुत मिलते हैं भाई। क्या लाइब्रेरी जा रहे हो क्या? हाँ लाइब्रेरी जा रहे, तो क्या है? तो गीता से कह देना मैं शाम को मिलूंगा। अरे भाई जाने दो, भाई 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 जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। ये तू जो भी कर रहा है ना बहुत पछताएगा, क्या याद रखना साले। भाई भाई जाने दो, जाने दो, देख लेंगे इसे, जाने दो भाई। हे बॉयफ्रेंड का फोन है? छे मम्मी का है। हाँ मम्मी बोलो। कैसी हो बेटी, तबीयत कैसी है? नहीं बस हल्का सा बुखार है। तुमने दवाई ली क्या? हाँ दवाई ले रही हूँ मम्मी। दवा टाइम पर लेना। ठीक है, घर आ जाओ ना बेटी। नहीं मम्मी एग्जाम्स नजदीक है। आप फिक्र मत करो आंटी, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बाय। चल चल। 300 ठीक है। ए, गीता को बुखार है, उसकी दोस्त का फोन आया था, मैं उसके हॉस्टल जा रहा हूँ। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? हॉस्टल जा रहे हो ना, मैं भी साथ में चलूँ? दो दिन से वो दिखी नहीं, देखना चाहता हूँ ठीक ठाक है कि नहीं। चलो 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 उससे मिलकर आते हैं। क्या हुआ बॉस, भरोसा नहीं है? भाई हारना मत, भरोसा रखना। बाय। थैंक्स बॉस, मैं सोच ही रहा था कि उसके पास कैसे पहुंचूं। थैंक गॉड तुमने लिफ्ट दे दी। क्या बॉस यहाँ क्यों रुक गए, फ्रूट्स लेने के लिए? बॉस ये सब करना जरूरी है क्या? ओ फ्रूट्स नहीं ले जाओगे तो गीता प्यार नहीं करेगी, है ना? ओके ओके, ये तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है। भाई साहब दो दर्जन एप्पल्स पैक कर दो। जरूरत नहीं है। कैंसल। हे गीता, तेरे लवर्स आए हैं। हाय गीता, तुम कैसी हो? फीवर कम हुआ? मेडिसिन तो ठीक से ली ना? कोई बात नहीं, तुम 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्लास मिस करने के बारे में मत सोचना, मैं तुम्हारे सारे नोट्स लिख दूंगा। ओके तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, आओ बैठो। क्या बात है, दो महान लवर्स खाली हाथ चले। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए फ्रूट लाना चाहिए, इतनी भी समझ नहीं है? मैं लाया हूं ना शांति। मॉर्निंग इवनिंग टॉनिक, दिन में दो बार। कंपटीशन बॉस, कंपटीशन। हे, तुमने चीटिंग की है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, फ्रूट्स लाना ना लाना तुम पर है। अगर मैं कहता तो तुम मान जाते क्या? प्यार करते हो तो इतनी अक्ल तो तुम्हें होनी चाहिए। अजय तुम गीता से बात करो, कम ऑन गर्ल्स बाहर चलते हैं, खेलते हैं। आउट 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 आउट। ए तुम कहां जा रही हो? फ्रूट्स लो, जूस निकालो, गीता को दो, चलाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, उसके साथ बाहर गई और कॉफी भी पी, तुम्हें तभी मना कर देना चाहिए था। तो ऐसे हालात ही नहीं होते, अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं? अगर मैं उसे कुछ कहता हूं वो कहता है अपने प्यार में भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, कितनी बार, अपने दोस्तों के सामने भी बेवकूफ बन जाता हूं मैं।
अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत मुश्किल होगी, बता रहा हूं। इस बार मैं बहुत सीरियस हूं, अगर एक भी पत्थर अंदर गया तो मेरा प्यार मुझे मिलेगा या फिर नहीं। ओके एक मिनट, क्या आबरा का डाबरा हो जाए इसका काम। फू, फू। शे, थोड़ा समझ गया। चीजे एक आइडिया दूं क्या? क्या इस बार सोचो कि पत्थर नहीं गया तो प्यार कामयाब होगा। ये आइडिया झकास है। फेंको। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, जो भी करो उल्टा ही हो जाता है। जितनी भी कोशिश करो मुझे लगता नहीं तुम्हारा प्यार कामयाब होगा। एक बात बताए तुझे? कौन सी? मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, जब उसमें गिरेगा तब विश्वास करूंगा। अरे सुनो दुनिया वालों, इसका कुछ नहीं हो सकता। आर्या की वजह से हम लोग मिल नहीं पा रहे थे और तुम भी क्लास है कहकर मुझे अवॉइड कर रही थी, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। करेक्ट बॉस, यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये लो ये लो ये लो। तुम हमें डिस्टर्ब क्यों करते हो हमेशा? क्या मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? ये डिस्टर्ब नहीं तो और क्या है? देखो बॉस, लव या लवर्स कभी डिस्टर्ब नहीं होते, अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो उनमें प्यार ही नहीं है। प्यार एक तपस्या है, दो लोगों की तपस्या, और इस तपस्या में प्रेमियों को अपने आस पास की कोई भी चीज दिखाई ही नहीं देती है। पर तुम दोनों को अब तक प्यार करना नहीं आया? कमन कमन थोड़ा पास आओ, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखो। कॉन्सेंट्रेट, ये संसार तुम्हारी आंखों से धीरे धीरे ओझल हो रहा है, तुम्हें ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। तुम्हें इस प्लेन की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। अब तुम एक दूसरे को देख रहे हो, अब तुम एक दूसरे में खो जाओ। ए, ए, कहां खो गए? तो हाल्ट, जब अजय नहीं है तब मैं बॉस हूँ, तू आगे क्यों चल रहा है वो मेरी है, समझा? अबे वो तेरी भाभी है, समझा? चिचा! अंधा कहीं का? Happy Valentine's Day! नहीं चाहिए कोई बात नहीं। Happy Valentine's Day! अच्छा हाँ बोल दो, नहीं कोई बात नहीं, दूसरी ढूंढ लूँगा। कहीं ना कहीं तो मिलेगी मेरी सपनों की रानी। Hi guys. Hi. 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 ची. क्या हुआ अजय? वो यहीं पर है, वो मेरा दिमाग खा जाएगा। अजय तुम उसे दुश्मन क्यों समझते हो? अरे वो इतना भी बुरा नहीं है, वो बाकी लोगों से हटके है बस। तुम ये मत सोचो कि वो दोस्ती करके तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसे कुछ लोग हैं जो प्यार को नहीं समझते, वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है, इसमें बुराई क्या है? अजय, हाउ आर यू मैन? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, मैंने कहा था ना अगली बार गर्लफ्रेंड के साथ मिलूंगा। मीट माय गर्लफ्रेंड रोजी। हाय, चलता हूँ। अरे जा क्यों रहे हो? कौन?
ओहो, वो हैरान परेशान लवर आ रहा। अरे उससे डरने की जरूरत नहीं, चलना। वो एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है यार। मैं हूँ ना, अब मेरे होते हुए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तेरे को। ओके, एक काम कर, तू उसके पास जा। जा ना, तू उसको डिस्टर्ब कर, मैं देखता हूँ क्या होता है। जा, जा ना। अरे जा यार। हाय बॉस, तुमने मुझे हाय बोला? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। किया ना तुमने और मुझे डिस्टर्ब? बिल्कुल नहीं बॉस, हमें ऐसे ही रहना चाहिए। गीता हाय। बॉस तुम गीता को मेरे लिए लाए? थैंक यू वेरी मच बॉस। ओह विश करना भूल गया, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे गीता, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। हाय। चलो डार्लिंग। जी यार, ये लोग अब डिस्टर्ब करने आ जाएंगे। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से भाग निकलते हैं, वहाँ चलते जहाँ कोई नहीं होगा। हाय हाय। ए जानते हो हम दोनों दोस्त बन गए, हम दोनों दोस्त बन गए। हाँ अरे खड़े क्यों, बैठो ना, बैठो 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 ना। अजय एक मिनट यहाँ ना। तुम हमेशा उसके साथ बैठते हो, एक बार मुझे बैठने दो ना प्लीज। कुछ बोलो ना बॉस। गीता बैठ जाओ। थैंक यू बॉस। इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से सबके लिए आइसक्रीम। वेटर। जी सर। वन वेनिला। एक स्ट्रॉबेरी। मैं भी स्ट्रॉबेरी लूंगी, बटर स्कॉच, रास्पबेरी, चॉकलेट। तो मेरे लिए भी चॉकलेट। चॉकलेट कैंसिल, वेनिला। हे वेनिला क्यों, तुझे तो चॉकलेट पसंद है। मैंने अपना इरादा बदल दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही तुम मेरे बारे में भी अपना इरादा बदल सकती हो। अरे उसे मंगाने दो जो मंगाना है, क्या फर्क पड़ता है। मैंने सही बोला ना। अच्छा तूने गुस्सा नहीं किया। इन दोनों में से एक उंगली पकड़ो प्लीज। एक मिनट, आर यू अ वर्जिन? ओह नो, मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी, अब चूज करो। अरे वाह, इसका मतलब मेरा प्यार मुझे मिलेगा। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, तुझे पता है ना कि गीता अजय की गर्लफ्रेंड है, फिर तेरा प्यार तुझे कैसे मिलेगा? क्यों नहीं मिल सकता, दोनों अलग भी तो हो सकते हैं। हो सकता है ना, अक्सर प्रेमी अलग हो जाते हैं। आज वैलेंटाइन डे है, देखो कितने सारे कपल्स आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी ये लोग सेम पार्टनर्स के साथ यहाँ होंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल तुम रानी के साथ थे, आज तुम रोजी के साथ हो। बर्बाद कर दिया, अजय इससे बच के रहना। शांति तुम इसकी तरफदारी कर रही थी, ये हम दोनों को अलग करना चाह रहा है। ये क्या है, तुम चाहते हो ये दोनों अलग हो जाए? तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है? देखो शांति, मुझे तो अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। सच्चा प्यार कभी अलग नहीं हो सकता, लेकिन जो बेवकूफ होते हैं वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में कभी प्यार था ही नहीं, वो सिर्फ अट्रैक्शन था। लेकिन तुम्हारी जगह बॉस, कोई भी बेवकूफ अगर छत से कूद रहा होता तो गीतों से आई लव यू बोल देती। मुझे पता था ये ऐसी बकवास करेगा। अजय व्हाट्स अप, आर यू रेडी टू ब्रेक इट डाउन And keeping it real, yeah! Let's get ready to rumble! Stop! 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 Oh ah, oh eh, oh ah. Oh ah, oh eh, oh. Oh ah, oh eh, oh ah. Oh ah, oh eh, oh. What?
Everybody, आओ हम तुम मिलके गाए प्यार की मेलोडी. Nobody can tell you really कब मिल जाए राह में चलते चलते sweet baby. Hey, नाचो ना जरा झूमो ना हर दिल पर यारों छा जाओ ना आओ ना शर्माओ ना धीरे धीरे दिल में समा जाओ ना. You rock my world, you know you sway my heart, you know मैं हूँ तेरा दीवाना. You are my दिल की रानी, you are my प्रेम कहानी, मुझसे कभी दूर ना जाना. ही जीता हूँ मैं तुझ पे ही मरता. ओ दिया कामिया प्यार करने वाला दुनिया से नहीं डरता. आओ ना जरा देखो ना डालिंग डालिंग आए बोलिंग आओ देखो ना जानो ना जरा सुन लो ना मेरे दिल में क्या होता है समझो ना. You rock my world, you know you sway my heart, you know मैं हूँ तेरा दीवाना. You are my दिल की रानी, you are my प्रेम कहानी, मुझसे कभी दूर ना जाना. आज मेरी गीता का बर्थडे है, सभी लोगों से विश करो ना प्लीज. आर्या, हैप्पी बर्थडे गीता. तुम किसका इंतजार कर रही हो, जल्दी से केक काटो ना. अरे इस केक का तो टेस्ट ही खराब हो जाएगा. केक काटते काटते दूसरा बर्थडे आ जाएगा. हे, तू काटेगी या मैं काट दूं? चल 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 काटना काट काट यार. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thanks. Yes, 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 yeah! Hey, Geetha, hey, Kanya, chal le na. Yeah! भाई क्या बर्थडे पार्टी में मजा आएगा. छोड़ दो भाई गीता आ रही है, बैठ जाओ. क्या हुआ तुम? क्या हुआ अजय, तुम मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आए? तुम्हें मालूम है ना मैं इंतजार कर रही थी, क्यों नहीं आए बताओ? मैं मेरे बगैर बर्थडे पार्टी रुकी क्या? जिन्हें प्यार करती हो वो तो थे ना. प्यार करती हूँ? ओ वो आर्या, तुम भी ना. देखो उसने मुझे ये गिफ्ट दिया. भाई ये तो बहुत बड़ा झटका दे दिया, उसने आप दोनों का फोटो गीता को गिफ्ट कर दिया, ये बहुत पोछी हुई हस्ती है. तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी ना? क्यों? अगर वो हमें सचमुच अलग करना चाहता तो हमें ये गिफ्ट क्यों देता? अजय तुम आर्या को गलत समझ रहे हो, वो हमसे बस दोस्ती करना चाहता है,
Really, he's really a nice guy. Bye. Yes, I'm really a nice guy. क्या बॉस, मेरा गिफ्ट कैसा लगा हाँ? अच्छा था ना? Hey. Oh, क्या है ना बॉस, तुम्हारा फोटो देखकर वो खुश हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हारा फोटो दिया। अगर वो मेरा फोटो देखकर खुश होती तो मैं आपने दे देता। वैसे तुम्हारा फोटो या मेरा गीता की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सॉलिड लाइन बोला यार। अरे सिगरेट क्यों पी रहे बॉस, सिगरेट पीने से जिंदगी और कम हो जाएगी। मेरा लवर तुम्हें प्यार करता है, सिगरेट पीकर अपना हेल्थ खराब मत करो, एक्सरसाइज करो, फ्रूट जूस पियो। मैं गीता से प्यार करता हूँ, गीता तुमसे प्यार करती है, इसलिए मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस साल भी हमें टेंडर मिलना चाहिए, किसी भी आदमी को बोली नहीं लगानी चाहिए। सुनो, हमारे दो आदमी टेंडर बॉक्स की गार्ड पर लगा दो, समझ गए? यस सर। अगर कोई भी बोली लगाता है तो सुब्बू को उसे खत्म करने के लिए कह दो। यहां पर कौन सी मीटिंग चल रही है, क्या हुआ, पैसे चाहिए? कॉलेज में कोई प्रॉब्लम, क्या हुआ? हाँ अंकल। ओह सुब्बू, हाँ सुब्बू, इन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। देख उसकी फोटो लग गई। हाँ यार, she was supposed to be so innocent and all यार, ये तो बड़ी चालू निकली बॉस। हाँ सच्ची, क्या बात है, देखो देखो बहुत चालू निकली, बहुत शरीफ लग रहा है, चालू से लग जाएगा। देखो 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 देखो, आ गई मैडम, मजे किए, क्यों क्यों, क्या बात है, खूब मजे किए। अब क्या हुआ, किस पर है तो ऐसी, देखो जरा चश्मा हटा के देख, इतनी बढ़िया चीज है। हाँ। दो दो को फसाया हुआ है, वाह क्या बात बोली। अरे भाई तुमने जो बात बताई थी ये तो उससे कुछ अलग ही निकली। करेक्ट है, शटल कॉक लव है। क्या मतलब? मतलब एक फूल और दो माली। क्या बात है। ए, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से, मार खानी है क्या? आउट, आउट, आउट। ये बड़ी आई महारानी। अच्छा गीता, फर्स्ट टच कैसा था? मजा आया होगा ना? हाय। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इस कॉलेज में एक कैरेक्टरलेस लड़की बन गई हूँ। तुमने मेरा मजाक बनाकर उस नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। हर कोई मुझे आज गंदी नजरों से देख रहा है। You are a maniac, एक साइको हो तुम। तुम मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहते हो, बस यही है ना तुम्हारी जिंदगी का मकसद, इसीलिए तुम ऐसी हरकत
बातें करते हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ये बिल्कुल नामुमकिन है। आज मैं सबके सामने ये कहती हूँ कि मैं सिर्फ अजय से प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ अजय से ही शादी करूंगी। मैं साबित कर दूंगी कि हमारा प्यार सच्चा है। मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर तुम नहीं होते तो मैं हमेशा खुश रहती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई रियली हेट यू। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ ना? मेरे बिना तुम खुश रहोगी ना? ओके, मेरा चेहरा तुम कभी नहीं देखोगे। ये हॉस्पिटल मेरे प्यार की दी गई मीठी चोट को ठीक कर रही है, इसलिए मुझे ये हॉस्पिटल पसंद नहीं है। I hate this hospital. आर्या, कम गीता? नहीं नहीं नहीं, come on, let's dance. It's okay. Come, let's dance. Come गीता, come on. डिस्को में क्या हुआ था? किसी भी लड़की को किस करोगे तो यही होगा। ए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए धक्का दिया ना। क्या बकवास कर रहा है? मार डालूंगा। तुमने इस तरह कई लोगों की शर्ट पकड़ी होगी, सिर्फ मैं ही नहीं, सबको पता है कि गीता तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ।
वैसे उसने सच कहा, आर्या की वजह से पूरे कॉलेज में मैं बदनाम हो रहा हूँ। सबको लगता है कि मैं गीता को फोर्स कर रहा हूँ मुझसे प्यार करने के लिए। वो हरकतें ही कुछ ऐसी करती है, सब ठीक करना पड़ेगा। पूरे कॉलेज को लगना चाहिए वो मुझसे प्यार करती है। सबको यकीन दिलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। हे, एक टूर प्लान करो। इस टूर पर देखना मैं कितने मजे लेता हूँ। बिल्कुल सही, एक बार काम हो गया ना फिर वो कभी ड्रामा नहीं करेगी। भाई गीता आ रही है। हाय एवरीवन। क्या कल रात को तुमने अजय को धक्का मार दिया था? वो मेरे साथ बदतमीजी जो कर रहा था। बदतमीजी? तुम्हें किस किया है? इसमें बदतमीजी कहाँ है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, मुझसे प्यार नहीं करती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। सुनो अजय, मुझे ये सब पसंद नहीं। क्या मतलब पसंद नहीं? भाई अगर आप दोनों इस तरह झगड़ा करेंगे तो आर्य का कहा हुआ सच हो जाएगा। वैसे भी वो खबरी बंटी यहाँ पे काफी देर से देख रहा है, अनजान बन के घूम रहा है, लेकिन ये सारी खबर आर्य तक पहुँचाएगा। भाई आप लोग झगड़ा कर रहे हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए तो टूर प्लान किया है ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। दो नाराज प्रेमी भी मिल जाएंगे और साथ में वक्त भी बिता लेंगे। हाँ हाँ। तो क्या अजय और गीता तुम दोनों टूर पे आ रहे हो ना? टूर मतलब? कोई टीचर नहीं, सिर्फ प्रेमियों की जोड़ी। मैं नहीं आऊंगी। देखा, तेरी गर्लफ्रेंड आ रही है? आ रही है ना, क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है। भूल जाओ यार इसे सब। अजय तुम्हें कोच बुला रहा है। भाई जाओ, कोच बुला रहे हैं। मैं इसमें हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, ये जाके कोच से कह दो। भाई आप जाओ ना। गीता तुम उसका फ्यूचर बिगाड़ रही हो। गीता दिस इज टू मच, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गीता उसे वापस ले आओ, जाओ प्लीज। गीता उसे बुला लो। अजय तुम रेस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम टूर पर क्यों नहीं आ रही हो? तुम चाहते हो कि मैं टूर पर आऊं, है ना? ओके ठीक है, अगर तुम रेस जीतोगे तो मैं जरूर आऊंगी। हम लोग यहीं से टूर पर जाएंगे, सब लोग तैयार है ना? ओके बैठ जाओ।
देख तूने तूने मुझे बिठवाया इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर ऐसा घटिया टूर प्लान करेगा तो गीता को पसंद नहीं आएगा और फिर मुझे एंट्री तो मारनी ही होगी। तुमने तो कहा था तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, फिर वापस क्यों आ गए? ज्यादातर तो मैं अपना वादा नहीं निभाता। क्या? ए, तुम गीता से मिले कि नहीं? नहीं मिला। अब मैं गीता को और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। गीता को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसे प्यार करना छोड़ दोगे? ए, गीता से प्यार करना नहीं छोड़ूंगा मैं। आई लव यू। Bloody fool! Don't you have any shame or what? Bloody, you come to college for this? Just see your face in the mirror and look at your clothes. How dare you tell me I love you? Your parents send you to the college for this? Idiot! Romeo, bloody fool, idiot! Mind your own business, okay? अरे भाई, एक तरफा प्यार है क्या? अरे, एक तरफा प्यार करने वाले कभी उदास नहीं होते। चका, क्या नजर थी, क्या निशाना लगा, प्यार कामयाब होगा, पत्थर सीधा अंदर गिरा। ये क्या बात, मैं इतना खुश हूँ तुम उदास हो। फेंकते वक्त प्यार के बारे में सोचा ही नहीं? नहीं सोचा था, धत तेरी तो। अरे फेंकते वक्त कुछ तो सोचना चाहिए था, पत्थर सीधा अंदर आके गिरा इसके, धत। सॉरी यार। हाँ, एक काम करो, अब हमेशा अपने प्यार के बारे में सोचो, कभी तो पत्थर जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। The great running champion आर्या के ऊपर बियर गिरी तो उसे कैसा लग रहा है? ए, तुझे कैसा लग रहा है? ए, तुम सबको कैसा लग रहा है? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा तू तो बोलना यार, तुझे कैसा लग रहा है? ये क्या, इसमें पत्थर फेंकने से प्यार सफल हो जाता है? मेरी बात सुन, तू जितनी भी रेस जीत जाए लेकिन गीता को नहीं जीत पाएगा, वो अब भी तुझसे नफरत करती है, समझ गया ना? अरे तू इतना चुप क्यों है, कुछ तो बोलना, हमेशा तो कुछ ना कुछ बकवास करता है। नहीं बॉस, अब मैं तुम दोनों को कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा अगर तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। तुम अपना कैरेक्टर नहीं बदलो, तुम बकवास कर कर। बॉस, गीता ने कितनी बार कहा वो तुमसे प्यार करती है? सिर्फ एक बार। पर जानते हो उसने मुझे आई हेट यू कितनी बार कहा है? अनगिनत बार। मतलब वो तुमसे प्यार करने से ज्यादा मुझसे नफरत करती है, मतलब उसकी फीलिंग मेरे लिए तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्या रैपचिक बात बोली। ए, ए, ए? गीता शायद तुम्हें भूल जाए बॉस, लेकिन मुझे कभी नहीं भूल पाएगी, समझे ना? Hey! मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके लिए गीता ही सब कुछ है, उसकी दुनिया है। अगर मैं उसकी इसी कमजोरी पर वार करूंगा तो मेरी जीत हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे गीता नहीं मिलनी चाहिए। यस, मैं गीता से शादी करूंगा। भाई इस बात पर अटल रहना, परसों आपके घर में फंक्शन है, तब आप गीता को अपनी डैडी से मिला देना और उन्हें बता देना कि आप उससे प्यार करते हो, ताकि कॉलेज के फेयरवेल पार्टी तक आपकी शादी हो जाए। थैंक यू। भाई आपकी डैडी अच्छे मूड में लगते हैं, जाइए और गीता के बारे में बता दीजिए जल्दी। ओह रेड्डी साहब, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। वेलकम, वेलकम। क्या बात है भाई, बड़ी शानदार पार्टी जमा रखी है। हाय। हाय। Hey, मिस्टर रेडी का ख्याल रखो। आइए, थैंक यू। प्लीज आइए। उसने हमारी पार्टी ज्वाइन की है। भाई जाइए ना। मैं उनसे बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। जानते हो राजनीति चीजों को बड़ी तेजी से बदल रही है। हाँ, यस। मेरे दोस्त। नमस्ते। ये गीता है। ओ। गीता और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, है ना? शादी करना चाहते हो? तो तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो? चलो मस्ती करो बेटा। भाई, पार्टी भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन,
मैं आज बेहद खुश हूं कि आप लोगों ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। इस मौके पर मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि मेरा बेटा अजय शादी करने जा रहा है। आओ मेरे बेटे, और दुल्हन का नाम है मिस लालसा। थैंक्स। आइए मिनिस्टर साहब, आज से हम रिश्तेदार हो गए। देखो बेटी, मैं एक मामूली स्कूल टीचर हूँ। मैं तुम्हारी पढ़ाई और भविष्य के अलावा कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि तुमने प्यार करके गलत किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि तुम सही फैसला लोगी। लेकिन अगर उस फैसले की वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटे। लो खाओ। मुझे वो पसंद नहीं है डैडी। मुझे भी ये रिश्ता खोना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक चालू लड़की है डैडी, और आप मेरी शादी उससे करवा रहे। तुम गीता के प्यार में पागल हो गए हो, क्या है उसमें? गीता के बारे में भूल जाओ डैडी, वो लड़की एक नंबर की चालू है। अगर उससे मैंने शादी की तो कॉलेज में सब बेवकूफ बेवकूफ कहकर बुलाएंगे मुझे। अगर ये शादी टूट जाएगी पूरे स्टेट के लोग मुझे मिस्टर बेवकूफ कहकर बुलाएंगे। ये तुमने क्या किया? ए जल्दी से दवा लेके आओ। तुम जानते हो मेरा लिया हुआ फैसला कभी नहीं बदलता। ये शादी जरूर होगी, जरूर। उस लड़की को जरा सेट करो। अजय की शादी कहीं और फिक्स हो गई है, आपकी लाइन तो बिल्कुल क्लियर। अब गीता आंटी से आपकी शादी हो जाएगी। ये क्या गंदा गेटअप है, चलो बदलो इसे। ए इसे तैयार करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। स्टैचू चाहे जितना भी मना लो, मैं बाहर नहीं आने वाला हूँ। सुनो, अंदर से लैच मत लगाना। क्यों नहीं लगाऊं? क्योंकि बाहर से हम लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो? खोलो। तुम अंदर हो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बदले हम लोगों से बात करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। देखो मेरी बात सुनो प्लीज। तुम क्या बोलोगे? जब भी मुंह खुलता है बकवास बातें बाहर निकलती है। अब जो भी करेंगे हम सब मिलकर करेंगे। चलो गाइस, यहाँ से चलते हैं। चलो। ए कहाँ जा रहे हो? ए कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे आंटी को देना है। चल। आंटी कैसी हो? आंटी अजय के एंगेजमेंट से दुखी मत होना, आपके लिए तो हमारे अंकल है ना। आपको पता है हमारे अंकल हमारे लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स लाते हैं, हमारा होमवर्क भी करते हैं। आंटी आपको पता है अंकल आपसे कितना प्यार करते हैं? ये तो क्या बोलने दे आंटी मुझे? आपके लिए अच्छा समय है, बस हाँ कहो और हमारे अंकल से शादी करो, उसके पहले एंगेजमेंट। अरे यहाँ पर कुछ हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ है। अजय के पिताजी ने गुंडे भेजे थे, धमकी देकर गए हैं। क्यों आए हो यहाँ? क्या देखने आए हो? यही देखने आए हो ना कि मैं हारी हुई कैसी लगती हूँ? देख लिया, जैसा तुम चाहते थे सब वैसा ही हो रहा है।
मैं हार गई हूँ, अब तो खुश होना। तुम मेरे रहते तुम हार नहीं सकते, तुम्हें अजय चाहिए ना, मिल जाएगा। क्या कहा? मुझे किसी भी तरह से निकालो यहाँ से। तुम सब जानते हो ना यार, वो कितनी अय्याश लड़की है, कैसे शादी कर सकता हूँ? क्या बोला? पहाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे जरूरत नहीं है तुम सबकी। हेलो मिस्टर रेड्डी, आप ठीक तो है ना? काफी दिन से हमारी बात नहीं हुई थी तो मैंने सोचा कि आपको फोन कर दूं। ए, गेस्ट हाउस में कार भेजो। नमस्ते अंकल, मैं हूं आर्या, गीता का चाहने वाला। चाहने वाले का मतलब है वो जो भी मांगती है मैं उसे देता हूं। गीता आपके बेटे को चाहती है और मैं उसे लेने आया हूं। ए, देखो मैं अभी बिजी हूं, हम लोग बाद में बात करेंगे, जाओ। सर बहुत बिजी हैं, बाद में फोन करना। तुम अभी बच्चे हो, मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, फंक्शन डिस्टर्ब मत करो, निकलो। अंकल ने बोला ना माहौल मत खराब करो, समझ में नहीं आता तुझे? मैं नहीं चाहता माहौल खराब हो, मैं सिर्फ अजय को लेने आया हूँ, लेकर चला जाऊंगा। ओके कहा है? बस बस बस, कमन 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 कमन, हरी आप हरी आप हरी आप। गीता ने मुझे तुम्हें यहां लाने के लिए भेजा है, गीता हॉस्टल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो गीता को अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानता हूं बॉस कि तुम मेरे साथ आना पसंद नहीं करोगे, और तो और तुम मेरी मदद लेना भी पसंद नहीं करोगे। सिर्फ एक बार कह दो कि मैं नहीं आना चाहता, मैं चला जाऊंगा और गीता से जाकर यही बात कह दूंगा। देखो बॉस, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, वो लोग हमारे पास कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए उनके आने से पहले डिसाइड कर लो। ये सब क्या है? तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे अपना बनाना चाहता हूं, लेकिन साथ ही उसकी इच्छा भी पूरी करना चाहता हूं। ये क्या कर रही हो? चीटिंग? शर्म नहीं आती? गीता ने देख लिया तो बुरा मान जाएगी। चलो चलो जाओ। Thank you.
Thanks, boys. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. एक लड़की से मार खाई तूने, ना मर्द कहीं का। ए, शादी के मुहूर्त पर मेरा बेटा यहां होना चाहिए। बाकी दोनों को मार कर मेरे बेटे को लेकर आ। जब से तुमको देखा और देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यू नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना यू आर माई सोनिया, कह दो ना यू आर माई सोनिया। जब से तुमको देखा देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, ए जब से तुमको देखा देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा ना तुमसे कोई प्यारा, जब से तुमको देखा देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, ए यू नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना You are my Sonia. Kedo na, kedo. Kedo na, kedo na. You are my Sonia. Kedo na, kedo na. You are my Sonia. Hey, chal jeep rok. Chal. उतरो। क्या वो लोग हमारे पीछे नहीं नहीं सर, इससे पहले कि वो हमारा पीछा करे, अगर हम लोग भाग लें तो वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे, और हम रनिंग चैंपियंस भी हैं सर, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? ए, तुम कभी नहीं बदलोगे, वैसे के वैसे ही रहोगे, मुझे परेशान करके बड़ी खुशी मिलती है ना, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या पागलपन है? मैं तुमसे बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। नाश्ता पानी, नाश्ता पानी। बॉस, तुम ये नाश्ता जाकर गीता को दे दो, भूखी होगी बेचारी। ए, मुझे वेटर समझा क्या? 24 घंटे बकवास। गीता वहाँ भूख से मर रही है और तुम यहाँ सिगरेट पी रहे हो, कैसे लवर हो तुम? हाँ, ओवर एक्टिंग बंद कर, चल निकल। तुम उसे नहीं दोगे ना, तो ठीक है। गीता, ए, इधर दे। नहीं मैं नहीं दूंगा। इधर दे। गीता, मुझे नहीं चाहिए। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, लो। उसी ने भेजा होगा ना, उसे मना कर दिया तो तुम्हें भेज दिया। क्या हुआ बॉस, वो तुम्हें भी मना कर रही है? हाँ, तुम्हारी सीट टॉयलेट में कंफर्म हुई है, जाओ जाकर बैठ जाओ। हैं? क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? नहीं, सभी तो बैठे हैं। इन लोगों ने मेरी परमिशन नहीं ली। कैसा पंच है, मुझे परेशान मत कर वरना ट्रेन रिवर्स चलने लगेगी। बैठ जा। अबे भी भी। जब तुम कहो तो बात में दम होना चाहिए। सुनो, लोग तुम्हें तभी पहचानेंगे जब तुम में दम। आपने मुझे पहचाना? नहीं तो चलता हूँ।
अरे उसने क्या कोई जोक मारा जो इतना हंस रहा है? क्यों हंस रहा है भाई? कोई काम नहीं है ना? काम नहीं है, टिकट है, दिखा मुझे। ये गई। जा अब ढूंढ, बहुत काम है तेरे लिए। पंच ऐसा होना चाहिए। लो मैं आ गया। तुम लोग इतने उदास क्यों हो जाते हो? अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी चला जाता हूँ तो लो खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मायावती। यहाँ पे वही लिखा है। अरे कोई दम ही नहीं है भाई, कुछ कहो तो उसमें दम होना चाहिए। हे भाई, टिकट है तेरे पास? हाँ है। दिखाओ। नहीं नहीं है। तो फिर झूठ क्यों बोला? मुझे लगा यकीन करेंगे। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। कैसा पंच है मेरा? अच्छा, मेरे साथ सफर करो तो पंच होना चाहिए, टिकट होना हो। हाँ वैसे काफी गर्मी है, एक बार पंखा चला देंगे? एक बार नहीं, मैं तुम्हारे लिए दो बार करूँगा। ये एक बार, अच्छा ये दो बार। चलो उठो, निकलो यहाँ से। पंच भी नहीं है, टिकट भी नहीं है। तुम्हारा टिकट कहाँ है? चलो टिकट दिखाओ। सर आप हमसे टिकट क्यों पूछ रहे हैं? पहचाना नहीं क्या? नहीं तो? थोड़ी देर पहले तो आपसे पूछा था पहचाना क्या, वो मैं ही हूँ। ये तो बात बात में पंच मार रहा है, अभी दिखाता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? आर्या। क्या करते हो? मैं प्यार करता हूँ। फिर से पंच। ये लड़की कौन है? ये मेरी प्रेमिका। ये लड़का कौन है? ये इसका प्रेमी। चाय 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 गरम चाय 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 गरम गरम चाय 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 गरम गरम चाय 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 चाय। बॉस, हाँ? बॉस, वो लोग स्टेशन पर हैं। हे, चल ड्रामा मत कर। बॉस, बॉस, मेरी बात तो।
हाय। अंदर नहीं बैठ सकते। है हरे भरे मैं भी हूँ यारा देखो भरे भरे
क्या तुझे तेरा प्यार मिलेगा? नहीं बॉस, मैं ट्राई करता कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे प्यार पर डाउट है। अच्छा, ये हमारी आपस की बात है, क्या तुम सचमुच गीता के लिए यहाँ हो या फिर तुम्हें लालसा पसंद है? क्या बकवास कर रहा है? जब देखो कुछ भी बकवास करता रहता है, तू मारेगा नहीं, तेरे समझ नहीं आती कोई बात? संभालो, मार मार मुझे। गीता, ये हमारे साथ नहीं चलेगा, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। अजय, बहुत हो गया, बस काफी मदद कर चुका तू हमारी, ये हमारा मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे, चल निकल। गीता, या तो तुम इसके साथ जाओगी या मेरे साथ, ये तुम डिसाइड करो। सिर्फ तुम हमारे साथ चलोगे, ये मेरी है। सुबु छोड़ उसे, सुबु छोड़ उसे। हे विजय, हट। भाई आप अजय को क्यों चाकू दिखा रहे हो? भाई अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो तू भी जिंदा नहीं जा पाएगा, चल निकाल जा।
गीता, अजय कहाँ है? अजय, 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 गीता, गीता, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि अजय तुम्हें छोड़कर चला गया? देखो गीता, वो ऐसा नहीं है। ये देखो, उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। गीता को मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम्स मुझे ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। मुझे भरोसा है कि वो कर सकता है। उसने मैसेज छोड़ा है और एक हफ्ते में वापस आ जाएगा। रुको, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी सबसे प्यारी गीता, बिना बताए चला गया, इसलिए मुझे माफ कर देना। देखा तुमने कितना बुरा लग रहा है उसे। गीता, अरे बाप रे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, काटना था तो काट लिया। हाँ, वो अच्छी लड़की, इसलिए तुम बच गई, वरना एक झापड़ मारता तुम ऊपर निकल लेती, समझ गई तुम? मैं उसे यहाँ इसलिए लाया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन तू उस गेस्ट की देखभाल तक नहीं कर पाई। तू मूर्ख है, इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है तुझमें। और हाँ, अजय तुझसे हजार गुना बेहतर है। तुझे पता है वो कितनी अच्छी लड़की है? अगर तू मरने की धमकी देगी ना, तो तुझे भी आई लव यू कह देगी। पर मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मैं दिल में कोई बात नहीं रखता। रुको, कितनी घमंडी है तू? इतना बड़ा दीवाना तुझसे बात कर रहा है और तू यहाँ से यूं ही चल दी? एक थप्पड़ लगाओ ना। वो अभी तुम्हें एक चींटी ने काटा ना? कहाँ गई वो चींटी? ए, कहाँ चली गई तू? अगर दोबारा आई ना तो देखना।
बनी दुनिया, प्यार से बने तुम हम, प्यार जो नहीं कुछ भी तो नहीं, प्यार है मीठी सरगम, साथ ये तेरा जानो उस पे ये हसी मौसम, कुछ कहो नहीं चुप रहो यूं ही दिल ये बोले हरदम, उस पे ये बेताबी छाई है मदहोशी, क्यों शोर कुछ भी है जैसा भी है ये सब कुछ तो अपना ही है, मिलके बांटेंगे हम तुम खुशी मिले या गम, राह के कांटे चुन लेंगे हम, प्यार की कलियां बिखराएंगे, साथ कभी ना छोड़ेंगे आओ खाए कसम। तुम बदल गई हो क्या? आज तुमने पूरा दिन मुझे बिल्कुल भी डांटा नहीं। मैं नहीं बदली हूँ। मेरी बात मान लो कि तुम वाकई बदल गई हो। नहीं, मैं नहीं बदली, नहीं बदली, नहीं बदली। ओके 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 ओके, तुम नहीं बदली हो, ठीक है? हम लोग एक गेम खेलें क्या? क्या? मस्ती के लिए हम चलो अपना कैरेक्टर बदल लेते हैं। क्या मतलब? मतलब तुम आर्या और मैं गीता। मजा आएगा, बढ़िया है ना? ओके स्टार्ट। But I hate you. मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। चाहते हो तो दिल की बात दिल में रखो, खुल के क्यों बता रहे हो? You know one thing? I'm so expressive. मैं दिल में प्यार छुपा कर नहीं रख सकता। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I love you. ए, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम पागल हो क्या? तुम मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? सुन लो, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही फीलिंग है। I hate you. 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 सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। वो अनाड़ी है, एक अनाथ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो असहाय है। हाँ, उसकी माँ ने उसके लिए सारी सुख सुविधाएं छोड़ी हैं, इसलिए वो हमेशा कहता है माँ मेरे लिए प्यार का खजाना छोड़कर गई है जिसे मुझे संसार के साथ बांटना है। मेरी माँ ने मुझे जितना प्यार दिया उतना ही प्यार मुझे लोगों को वापस करना है। पागल लड़का सिर्फ देना जानता है लेकिन लेना नहीं जानता।
इसलिए मुझे उसके भविष्य के बारे में चिंता होती है। लेकिन देवी माँ की कृपा से तुम यहाँ आ गई हो, अब मैं निश्चिंत हो गया। अच्छा तो भगवान जी ने तुमसे क्या कहा, अजय के लौटने के बारे में बताया? उसने कहा था कि एक हफ्ते में आ जाएगा। वो लेटर तुमने ही लिखा था ना? बुरा फंस गया बेटा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मर गया बेटा, बुरी तरह गाली पड़ने वाली है। तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि वो लेटर अजय ने लिखा है? तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? तुमने हमेशा चाहा है ना कि मैं तुम्हारे प्यार को महसूस करूं। मैं तुम्हारे प्यार को अपने जीवन के हर पल में फील कर रही हूँ। मैं इतना ज्यादा प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम मुझसे पहले क्यों नहीं मिले आर्या? मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करूं? मैं नहीं जानता था कि प्यार क्या है। मुझे लगता था कि मैं किसी भी लड़की को हासिल कर सकता हूं। मैं गीता को किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता था। लेकिन अब मैं प्यार को समझ गया, वो भी तुमसे। तुम हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, इसलिए मैं भी गीता के लिए कुछ करना चाहता था। मैं अपने डैडी से लड़ा और उन्हें अपनी शादी के लिए मनवाया। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है, मैं उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। उस दिन इसने मुझसे कहा कि मैं गीता से बहुत प्यार करता हूं और फिर कहा मैं लालसा से शादी नहीं करना चाहता। गीता मेरी जिंदगी है और उसके बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता हूं। आर्या, तू मुझे बहुत पसंद है। मेरे बेटे ने गीता को हफ्ते भर के लिए तुम्हारे पास छोड़ा था। इसका मतलब उसे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। मैं सच कहूं तो तुम्हें ही शादी का सारा इंतजाम देखना होगा। बेटी आओ चलें। थैंक गॉड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अंकल थैंक्स। गीता अब तो तुम खुश हो ना? हर चीज तुम्हारे हिसाब से हो रही है। अजय अंकल चलिए। अरे बेचारी बिजली से डर गई ना। माँ के पास जाना है? चलो मैं तुम्हें मम्मी के पास ले जाता हूँ। okay? ये लीजिए अपना बेटा। अरे आप क्यों उठा रही हो, मुझे दे दो। क्या कर रहे हो? चलो इसे ले जाओ, रख दो। आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? लो पकड़ो। हाँ आ रहा हूँ।
मिनट सर, मैं अभी देता हूँ। अंकल आपके लिए फोन है, बात कीजिए ना। अरे तुम लोग कुछ लेते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, तुम लोग कम से कम सॉफ्ट ड्रिंक्स तो ले सकते हो। अरे लो ना, अपने अजय की शादी है, बिंदास पियो। लो तुम भी लो। तुम महान हो आर्या, ये पहला आशिक देखा है जो अपनी ही प्रीमियर की शादी में लगा है। मुझे कुछ अर्जेंट काम में नजर आता हूं। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाय। अरे शांति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गीता अंदर है, जाओ उसे तैयार करो। रो अभी तो कम से कम रो, मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहती हूँ। किसी भी तरह अपना दुख बाहर निकालो। तुम अंदर से बहुत दुखी हो पर दिखा नहीं रहे हो। जब दिल इतना रो रहा है तो उसे सच क्यों नहीं बताते? गीता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा प्यार अब आखिरी चंद सांसें ले रहा है। कम से कम अब तो तुम मेरे बारे में एक पल के लिए सोच लो। अब तक मैं सोचता था कि प्यार देने के लिए होता है, लेकिन आज पहली बार उसे मांगने का दिल कर रहा है। सच बताना, इतने दिनों से जो तुमने मुझे जाना, क्या एक बार भी मुझसे प्यार करने का दिल नहीं किया तुम्हारा? क्या मेरे लिए इतना सा भी प्यार नहीं है तुम्हारे दिल में? मैं दूसरों से अलग हूं, तुम्हें लगता है कि मैं हर चीज को मस्ती में टाल देता हूं। आखिर मैं भी इंसान हूं गीता। सच कहूं तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता गीता। Wish you a happy married life. मुझे तुम्हारी तलाश है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार है। तुम्हें एक बार देखने के लिए मैं लाखों मौत मरने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे लिए मैं हर बार जन्म लेता रहूंगा। आपकी ये पायल कन्याकुमारी के समुद्र में गिर गई थी ना आंटी?
सुनो बेटी, जरा गीता को जाके देखोगी, मुहूर्त निकला जा रहा है, उसे बुला के लाओ। तुम मेरे साथ आओ। बेटी ये चावल अक्षत के लिए लो। गीता मुझे आर्य के पास जाना है। अपने कैरेक्टर्स बदल ले, तुम गीता मैं आर्य। खुशबू चुपके से कहती है इस दिल की धड़कन में।